দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের রুটিনটা, দিস ইজ আওয়ার রুটিন ফর দ্য এক্সামিনেশন অফ ফার্স্ট সেমিস্টার রেগুলার স্টুডেন্টস। তোমরা প্রত্যেকে রেগুলার স্টুডেন্ট, তুম লোক সব রেগুলার স্টুডেন্ট হো, তো 16th সে হাম লোগো কা এক্সাম শুরু হোনে বালা হ্যায়। 16th সে ইয়ে জো এক্সাম শুরু হোনে বালা হ্যায়, ইস এক্সাম মে ক্যা ক্যা করনা হ্যায় ইয়ে তুমে হাম বোল রহে হ্যায়। তো পহলে দেখো, ফার্স্ট ডে মে ক্যা হ্যায়, দিস ইজ ম্যাথমেটিক্স। তো ক্যাসে তুম লোগ তুমারা জো ফ্রন্ট পেজ হ্যায় ও ফিল আপ করোগে, ইয়ে মে দিখা রহা হুম। তো চলো, ये आ गया तुम्हारा फ्रंट पेज। ये फ्रंट पेज पे पहला जो लाइन है, यहाँ पे क्या लिखा है, रेगुलर और कैजुअल। तो तुम लोग सब रेगुलर स्टूडेंट हो, तो क्या लिखोगे? रेगुलर। ब्रांच, ब्रांच है तुम्हारा डीएमई। जिसका सिविल है वो क्या लिखोगे यहाँ पे? डी सी ई, डी सी ई। उसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? एडमिट कार्ड स्टेट काउंसिल के साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? मानो कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर है डी 2021 01 2 1 1। सपोज, ये नहीं भी हो सकता है, मैं एक आर्बिटरी दे रहा हूँ। रोल, रोल का भी ऐसा कुछ रहेगा, तो रोल भी लिखोगे, नंबर भी लिखोगे। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तुम्हारा क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा तुम्हारा मैथमेटिक्स। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? 16/06/21। इसके बाद तुम्हारा फुल सिग्नेचर, ना कि ऐसा करके एक सिग्नेचर कर दिया, ऐसा नहीं, फुल सिग्नेचर। जैसे कि मेरा फुल सिग्नेचर है, ये है मेरा फुल सिग्नेचर, तो ये फुल सिग्नेचर करना पड़ेगा। देखो यहां पे लिखा है क्या क्या, कैसे कैसे इसको भरना है। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज ईच डे एग्जामिनेशन, फिल इट अप एंड अटैच टू द टॉप ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। ये रहेगा पहला पेज आंसर स्क्रिप्ट का, पहला पेज रहेगा ये। यूज ए फोर साइज पेपर, लीव बैक साइड ऑफ द फ्रंट पेज ब्लैंक। ये जो पेज रहेगा, इसका जो बैक साइड है वो ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा पहला पेज। इसके बाद आओ कि जहां से तुम मेन लिखना स्टार्ट करोगे, यहां पे देखो फिर से लिखा है ब्रांच नेम। ये ब्रांच नेम में तुम्हारा ब्रांच अगर डीसीई होता है तो डीसीई लिखो, डीएमई होता है तो डीएमई लिखो। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो लिखोगे। रोल नंबर जो है वो लिखोगे, रोल एंड नंबर। सब्जेक्ट नेम जो है वो लिखोगे, और फुल सिग्नेचर, यहाँ पे तुम्हारा भी फुल सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर कौन सा है? ये हो जाएगा पेज नंबर टू। मतलब ये था पेज नंबर वन, ये हो गया तुम्हारा पेज नंबर टू। ऐसा करके तुम्हें सेंड करना, ऐसा करके तुम्हें पेज, इसके बाद मानो कि तुमने, इसके बाद ये तुम्हारा खत्म हो गया, इसके बाद तुम और एक पेज लोगे, तो उधर क्या लिखोगे? पेज नंबर थ्री। नीचे का बाकी का चीज तुम्हारे लिए सब सेम है। ये तुम्हारा डिटेल है, ये डिटेल मस्ट फिलअप करना पड़ेगा, और यहाँ पे हर बार तुम्हें पेज, एक के बाद एक पेज ऐसा करके लिखना पड़ेगा। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा सा भी गलती हुआ तो तुम्हारा कॉपी कैंसिल हो सकता है। देखो
इसके बाद क्या है, राइट ब्रांच नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट नेम एंड पुट फुल सिग्नेचर बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट, स्कैन सिग्नेचर आर नॉट एक्सेप्टेड। तुम स्कैन करके इधर और इधर अगर सिग्नेचर डालते हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो कॉपी कैंसल्ड हो जाएगा। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम खुद अपने हाथ से ये सब जगह पे फुल सिग्नेचर करोगे, विदाउट फुल सिग्नेचर ये नहीं चलेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारा जो ये मानो कि 4 या 5 पेज तुमने लिखा, फिर उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा कि पीडीएफ में स्कैन करके पीडीएफ बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारा एप्स है जिस एप से तुम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद वहां पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन पे लिखा है, पहले वो पीडीएफ का रीनेम करना पड़ेगा। मतलब एक पीडीएफ क्रिएट हुआ, उस पीडीएफ को तुम्हें रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम में क्या करोगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर मानो क्या बोला, D2021-01211। इसके बाद अंडरस्कोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16/06/2021। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड तुम्हें कहां से मिलेगा, देखो रूटीन में दिया हुआ है, तुम्हारे क्वेश्चन में भी रहेगा। क्या मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड है 104(n), 104(n). उसके बाद क्या है, उसके बाद है ब्रांच, तुम्हारा अगर डीएमई ब्रांच है तो लिखना डीएमई। ये रहेगा क्या, फाइल नेम, जो पीडीएफ बनाया उस पीडीएफ फाइल का फाइल नेम रहेगा ये चीज। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको सेंड करना पड़ेगा। इसको तुम कहां पे सेंड करोगे, इसको कहां पे तुम सेंड करोगे, जो लोग डीसी के हो, डीसी के मतलब सिविल इंजीनियरिंग के हो, वो क्या लिखोगे, dce.bitm@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे डीसी का जितना भी स्टूडेंट है वो लोग सेंड करोगे। डीएमई का स्टूडेंट क्या करोगे, dme.bitm@gmail.com। तुम लोग अपना अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट करोगे, ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी में तुम्हारा नाम होना चाहिए, कौन भेज रहा है इसका नाम, तुम्हारा नाम होना चाहिए इस ईमेल आईडी में। दूसरे किसी के ईमेल से सेंड मत करना, ओके। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो ऐसा करके एग्जाम खत्म होने के बाद, मतलब 10 बजे से एग्जाम है, 10 AM से एग्जाम है, 1 PM तक तुम लोगों का एग्जाम होगा, और 1 PM के बाद 30 मिनट्स तुम्हारी ये कॉपी सेंड करने के लिए रहेगा।